खबर एनसीआर सोनीपत हरियाणा से सामने आ रही है, जहां दिन दहाड़े गोलियां चली है तो पुलिस भी अब मौके पर जांच में जुट गई है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें देख रहे हो एनसीआर सोनीपत हरियाणा से सामने आ रही है। यहां दिन दहाड़े गोली चलने की एक वारदात हुई है तो पुलिस भी मौके पर पहुंची है। यहां पुलिस अधिकारी अब इस जांच में जुटे हैं कि आखिर वारदात को अंजाम किसने दिया और क्यों दिया। अब पुलिस अधिकारी का क्या कहना है यह भी अब आप सुन लीजिए। कोई यहां गोली चलने की इन्फॉर्मेशन मिली थी, कोई दीपांशु नाम का लड़का है, उसने कोई गोली गाड़ी चलाई है, कोई दीपक नाम के लड़के ने चलाई गोली चलाई है, तो उसके एफएसएल टीम आई है यहां पे, मकान में उसमें कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सर कितने लोगों को गोली लगी है? कोई लगी है सर। अभी उसकी कैसी तबीयत है, कहाँ पे है? अभी तबीयत ठीक ठाक है सर। कहाँ रेफर किया गया सर? अभी जांच कर रहे हैं, अभी उसके बाद में बताएंगे आपको। हॉस्पिटल में सर। जिस तरह से यहाँ पुलिस अधिकारी ने अब साफ किया है कि गोली चलाने वाले की भी पहचान हो चुकी है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वारदात की सूचना पुलिस को जब मिली तो मौके पर एफएसएल टीम भी पहुंची और तथ्य जुटाए गए। पुलिस का दावा है कि जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होगा। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।